हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम ये बैग बनाएंगे। इसमें जो फ्लावर हैं हमने छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़ों से बनाए हैं। इसमें मैंने जीपर लगाया है। बहुत आसान तरीके से बैग बन जाता है, बिल्कुल बेसिक बैग है ये और देखने में बहुत ही सुंदर है। गिफ्ट बैग के रूप में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं, लंच बैग के रूप में यूज़ कर सकते हैं। बैग बनाने के लिए मैंने कॉटन का कपड़ा लिया है। कपड़े की लंबाई 24 इंच है और कपड़े की चौड़ाई 13 इंच है। इसके नीचे मैंने फोम रखा है और सबसे नीचे लाइनिंग का कपड़ा, इसे क्विल्ट कर लेंगे। तीनों पर एक साथ सिलाई चलाकर मैंने कपड़े को क्विल्ट कर लिया है। अब दोनों साइड हमें पाइपिंग लगानी है। पीछे की तरफ स्ट्रिप को रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। अब स्ट्रिप को हमें सामने की तरफ लाना है और थोड़ा सा फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। दोनों साइड हमने पाइपिंग लगा ली है। अब कपड़े को बीच से फोल्ड कर लीजिए और हमें 1.5 इंच का बॉक्स बनाना है। दोनों साइड से हमें 1.5 इंच लेंगे, 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरे साइड से भी हमें 1.5 इंच पे ही मार्क करना है, 1.5 इंच पे। इस तरह एक बॉक्स बन गया है। दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से बॉक्स बना लेना है। इससे बैग का बेस बन जाएगा। अब जो बॉक्स हमने बनाया है उसकी कटिंग कर लेंगे। 1.5 इंच का हमने 1.5 इंच का बॉक्स बनाया है तो 3 इंच का बैग का बेस बनेगा और जहाँ तक हमने कटिंग की है वहाँ तक बेस में चला जाएगा। अब यहाँ पे एक हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो भी डिज़ाइन बनाएंगे इसके ऊपर बनाएंगे। बैग के बेल्ट बनाने के लिए दोनों साइड से कपड़े को मुड़कर हमें सिलाई कर लेनी है। बैग के स्ट्रिप्स बन गए हैं। अब इसे हमें बीच सेंटर का ध्यान रखते हुए दोनों साइड बराबर दूरी पे लगाना है। इस तरह सिलाई कर बैग के दोनों तरफ हमने स्ट्रिप्स लगा लिए हैं। अब बीच में हमें डिज़ाइन बनाना है। जहाँ हमने सेंटर पे मार्क किया है वहीं से हम शुरू करेंगे। ये बैग का सेंटर है। मैंने ग्रीन कलर का कपड़ा लिया है, इसे चारों साइड से हमें फोल्ड कर लेना है और जहाँ सेंटर है वहीं पे हम इसे सिलेंगे। मशीन से भी सिल सकते हैं और हाथ से भी हम सिलाई कर सकते हैं। कपड़े को चारों साइड से मैंने फोल्ड कर लिया है और जहाँ सेंटर पर हमने मार्क किया था वहीं से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तुरपाई करते हुए भी इसे हम सिल लेंगे। आप चाहे तो सिलाई मशीन पे भी इसे सिल सकते हैं। इसके ऊपर ही हम फ्लावर लगाएंगे। वो कैसे बनाना है मैं आगे आपको बताऊंगी। जो भी हमारे पास कपड़े के छोटे छोटे टुकड़े हैं उसको मैंने एक कटोरी से गोल काट लिया है। उसके बाद उससे मैंने फूल बनाए हैं। चारों साइड से हम इसे सिल लेंगे। कई रंगों के कपड़े के मैंने गोल टुकड़े काट लिए हैं। किनारे से हमें थोड़ा सा फोल्ड करना है इस तरीके से और इसको हम रनिंग स्टिच में सिलते जाएंगे। इस तरीके से हमें पूरा इसको गोलाई में सिल लेना है। किनारे किनारे हमें सिलते जाना है। बहुत आसान तरीके से फूल बन जाता है और इसके बीच में हम एक बटन लगाएंगे। बटन आप नहीं लगाना चाहे तो कपड़े के छोटे से टुकड़े को गोल काट कर उसे बीच में लगा सकते हैं। ये पूरे गोलाई में हमें सिलना है। अब धागे को थोड़ा सा खींच लेंगे। देखिए बन गया है। और चुन्नट को सेंटर में लाना है। हल्का सा खींचेंगे। ये देखिए बन गया है। इसमें गांठ लगा लीजिए और हम एक बटन लगाना है। इस तरह से 10 फूल मैंने बनाए हैं। यहाँ हमने फ्लावर का बेस बनाया है। दोनों साइड हमें दो दो फ्लावर लगाने हैं। उसके बाद ऊपर में हम 3 लगाएंगे, फिर 2, फिर 1।
सुई धागे से हम फूल को बैक के साथ सिल लेंगे। पीछे की तरफ हमें अच्छे से गांठ लगा लेनी है। सारे फूल मैंने लगा लिए, देखिए बैग अभी से कितना सुंदर लग रहा है। अब इसमें हमें जिप लगाना है। जिप को पाइपिंग के नीचे रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। एक साइड हमने पाइपिंग के नीचे जिप लगा ली है, अब दूसरी पाइपिंग के नीचे हमें जिप लगानी है। जिप को नीचे रखेंगे और सिलाई कर लेंगे। जिप लग गई है, अब बैग को उल्टा कर लेंगे। अब साइड सिलाई हमें करनी है, दोनों साइड सिलाई कर लेंगे। दोनों साइड हमने सिलाई कर ली है। अब जो हमने बैक का बेस बनाया था उसको इस तरीके से सिलाई करनी है। यहाँ से पकड़ेंगे, हल्का सा खींचेंगे और इस तरीके, देखिए बैक का बेस भी बन गया है और किनारे हमने सिलाई के ऊपर पाइपिंग लगा दी है जिससे बैग अंदर से भी अच्छा दिख रहा है। अब बैग को सीधा कर लेंगे। बैग बन गया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको बैग कैसा लगा। अगर बैग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।